वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने ये कुछ आइडेंटिटीज़ आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कुछ आइडेंटिटीज़ अपने पास नोट कर लें। ये आइडेंटिटीज़ इन फ्यूचर में क्वेश्चन करने में बड़ी मदद करेंगी। जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आइए स्टूडेंट्स कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू फाइव, फाइंड एक्स का स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आइए पहले एक इसकी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी हमारे पास x प्लस वन ओवर x का इक्वल टू a के बराबर है। तो अगर हम a के बराबर है तो स्केयरिंग बोथ साइड कर ले, हमारा आंसर क्या हो सकता है x का स्केयर प्लस वन ओवर x का स्केयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ओवर x इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये एक्स और ए एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस टू इजिकल टू ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर माइनस टू। बस आप ये आइडेंटिटी अपने पास लिख लीजिए ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन आइडेंटिटी लिख लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको करने में आसानी हो जाए। कभी x प्लस वन ओवर x की वैल्यू दे रखी हो तो उन्होंने x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा हो तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस टू। आ जाइए अभी क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन ओवर x फाइव के बराबर है और पूछा गया है उन्होंने पूछा x का स्क्वायर प्लस वन ओवर x का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अंडरस्टूड है वो फाइव का स्क्वायर माइनस टू होगा। तो फाइव का स्क्वायर कितना, ट्वेंटी फाइव माइनस टू, आंसर क्या होगा ट्वेंटी थ्री। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। उसमें इक्वेशन दे रखी है और पूछा पी प्लस वन बाई पी, यानी कि टू पी डिवाइड बाई पी का स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इक्वल टू वन बाई फोर है। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हम क्या करेंगे कि पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये एट पी हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन इस वन से मल्टीप्लाई करेगी तो हो जाएगी पी का स्क्वेयर माइनस टू पी प्लस वन। अब ये एट पी शिफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा पी का स्क्वेयर माइनस टू पी माइनस एट पी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गई, पी का स्क्वेयर माइनस टेन पी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम 10p को स्प्लिट कर लें तो p की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ जहाँ आएंगी, एक तो ये तरीका था स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म, दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर इस पूरी टर्म को डिवाइड अगर हम p से कर लें, ध्यान से देखना p से डिवाइड कर दें तो इसको भी p से डिवाइड करें इसका आंसर तो ज़ीरो ही रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पी से डिवाइड करते ये मेरी बच जाएगी सिर्फ पी माइनस, यहाँ से पी और पी कट जाएगा तो टेन, यहाँ प्लस वन बाय पी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टेन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा पी प्लस वन बाय पी इक्वल टू टेन। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि p प्लस वन बाई पी की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू होगी 10, ठीक है स्टूडेंट्स।
आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने पीछे सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, शेयर कर लिया है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब जैसे लिखा है एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू नाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ये देखते ही आ जाना चाहिए कि एक्स का स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वेयर कितना होना चाहिए? नाइन का स्क्वेयर माइनस टू यानी के 81 माइनस टू यानी के 79। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो बात समझ आ रही है। एक और कर लेते हैं ऐसे एग्जांपल। एक आप देखिए, अगर कभी स्टूडेंट्स ऐसा हो एक्स प्लस वन ओवर एक्स का वैल्यू दे रखी हो ए और पूछ लिया हो एक्स प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब और वन ओवर एक्स का क्यूब, तो फिर क्या करना? कुछ नहीं, पहले एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, वहां पे देख क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा, एक्स का क्यूब आएगा प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब आएगा प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ जाएगा इक्वल टू ए का क्यू। तो अब आपको पता है ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का क्यू प्लस वन ओवर एक्स का क्यू प्लस ये थ्री। अब ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स इसके बराबर था, ए के बराबर था, तो क्या हो जाएगा थ्री ए इक्वल टू ए का क्यू। तो आंसर क्या होगा, एक्स का क्यू वन ओवर एक्स का क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस थ्री ए। अब ये एक छोटी सी आइडेंटिटी और आप नोट कर लें। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा होता कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू नाइन, तो एक्स का क्यू प्लस वन ओवर एक्स का क्यू क्या होता? तो हम क्या करते, नाइन का क्यूब करते माइनस थ्री इंटू नाइन करते। हमारा आंसर क्या होता, नाइन का क्यूब 729 है माइनस 27, आंसर कितना होता 702। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा कंसेप्ट जो आज हमने पढ़ा आपको समझ आ गई है। आप ऐसे क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस करोगे और आपका ये कम्पिटिटिव पॉइंट में है, पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बाद में आते हैं, आप इनकी तैयारी करना। अभी इसके बड़े क्वेश्चंस करने हैं, आप हम स्लो एंड स्लो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो पूरे कंसेप्ट ही यहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चैनल को आगे बढ़ाना ये अब आपकी ड्यूटी है, चैनल को खूब सारे लाइक्स मिलें, बढ़ाएं इसको आगे ताकि और बच्चों को भी फायदा हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।